हाँ जी, तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिवाली एंड फेस्टिव सीजन के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। तो आज बहुत ही सिंपल से तैयार किए हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बना रही हूँ वो लिया है मैंने पेपर। तो ज़्यादातर जितने भी क्राफ्ट आइडियाज़ यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ, सारी की सारी वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ और आपने उसकी झलक देखी ली होगी। सो फर्स्ट वाले के लिए हमें पेपर नॉर्मली रोल कर लेना है, जैसे हम रोल करते हैं, देन उसके बाद उसकी एक चूड़ी टाइप की बना लेनी है। तो इस तरीके से मैं कोई बड़े साइज़ की बॉटल ले लेनी है, आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की बॉटल ली है, आप इसे बड़ी बॉटल ले सकते हैं या इससे छोटी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये चूड़ी बन जाएगी। तो मैंने काफ़ी सारी बना के रख ली। देन उसके बाद कोई भी पुराना कपड़ा लेके इसको हम पूरा रिपीट लेंगे। आप चाहे तो कपड़े की जगह ऊन ले लीजिए या फिर धागे ले लीजिए, जो भी चाहे, बट मैंने कपड़ा इसलिए लिया ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, वरना ऊन वगैरह लपेटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने कपड़ा लिया है जिससे हमारे जो है ना बहुत जल्दी से रैप हो जाएगा। तो हम इसको रैप कर लेंगे अच्छी तरीके से, यानी कि इस तरीके से रैप करना है कि पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाए अच्छी तरीके से। तो आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से मैंने कई सारे तैयार कर लिए। देन उसके बाद मैं गोल्डन कलर का जो हमारा लेस होती है ना वो लूँगी और लेस की हेल्प से इसको थोड़ा सा ना और मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगी, ताकि ये होता है ना कि थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक आए, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप अपने हिसाब से पूरा कवर अप अगर इसी लेस से करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने तीन रेडी कर लिए हैं जो हमारे आगे DIYs में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी तरीके की मैंने कई सारी चीज़ें बनाई जो मैं आगे शेयर करूंगी। तो मैं बना बना के जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं रख लेती हूँ। देन उसके बाद हम लेंगे कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को मैंने 14x14 सेंटीमीटर, डेट मीन्स कि एक परफेक्ट मैंने स्क्वायर बना लिया है। उसके बाद आप 14 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, आपको जिस हिसाब से भी चाहिए आप वैसा ही बना लीजिए उसको परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद एक कपड़ा लेना है, उससे इसको पूरा का पूरा कवर अप कर लेना है, ताकि आप कपड़ा ले सकते हैं, नहीं तो आप पेपर से भी कर सकते हैं, या फिर पेपर भी नहीं करना है तो आप कलर से कर लीजिए, आप किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक जो हमारी क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो इस तरीके की लेसेस आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, तो मैंने भी ये लेके आई है। मेरे पास पड़ी हुई नहीं थी दिस टाइम, तो मैंने एक दो मीटर ले ली क्योंकि ज़्यादा पड़ी जाती है फिर खराब हो जाती है। उसके बाद मेरे पास ये जो फ्लावर वाले हैं ये भी मैं लेके आई हूँ मार्केट से, तो ये वाला मैंने अटैच कर दिया। तो मैं कुछ थोड़ा सा अलग करना चाह रही थी तो इस वजह से मैंने ये सारा काम शाम किया। उसके बाद इस तरीके की जो लेस आती है गोटा पट्टी वाली, इस तरीके की कुछ भी सेंटर में नॉर्मल मिरर भी लगा सकते थे, बट मैंने ये वाला मिरर लगाया है। एंड आफ्टर डैट उसके बाद मैंने छोटे छोटे से जो मेरे पास डिजाइनर मिरर थे वो सारे इसमें लगा दिए हैं। आप चाहे तो कोई और चीज़ भी झोला झोला ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये वाले मिरर्स लगाने से जो लीव्स वाले होते हैं ना वो वाले, तो इससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो आप अपने हिसाब से नॉर्मल वाला मिरर लगा लीजिए या फिर लीफ वाला, जैसा भी लगता है। तो मैंने पूरा का पूरा कवर अप कर लिया। उसके बाद जो फ्लावर्स के बीच में स्पेसेस बच रही थी वहाँ पे भी मैंने मिरर ऐड कर दिया, ताकि ये और अच्छा लुक लगे। आप चाहें तो फ्लावर पे भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उस समय तो ऐड नहीं किया, बट मैंने जब इसको टांगा जहाँ पे लगाया ना, तब मुझे लग रहा था कि मुझे शायद फ्लावर में भी कोई मिरर ऐड करना था किसी और कलर का, तो मेरे पास किसी और कलर का था नहीं, बट मैं सोच रही हूँ उसमें कोई और कलर का स्टोन ला के यहाँ लगा दूँ तो इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने तैयार कर लिया है कुछ मोती वगैरह इस तरीके से, जो मैंने शुरू में कंगन जैसा बनाया था चूड़ी की तरह, वो इसी में हैंग करूँगी। तो इसमें कुछ मोतियाँ अटैच कर दे रही हूँ मैं, कुछ मैंने अपने से लटकन बना लिया है खुद से। तो हम सारा वर्क खुद से करेंगे, कोई भी चीज़ हम खरीद के नहीं लेके आएंगे। मैंने सारा इसी तरीके से घर पे, तो ये जो मोतियाँ हमारे पास थी तो ये मोतियाँ ही मोतियाँ, अगर आपको नहीं लगानी है तो जिस तरीके से मैंने बड़ा वाला जो गोल्डन शेप की मोती घर पे बनाई है उस तरीके का भी आप ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे मैंने ऊपर भी मोती लगा के इसको फिर से इसमें अटैच कर दे रही हूँ, ताकि ये इजीली हुक से ना हमें धागा ना बनाना पड़े, इजीली ये अटैच हो जाए और ये देखने में भी इसका लुक काफ़ी अच्छा है। तो ये इसका फाइनल लुक है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने लाइट पहले बंद कर रखी थी, लाइट ऑन करके देखा तो ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा रहा था। तो इस तरीके के लटकन हम गेट पे लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड DIY के लिए ले रही हूँ मैं चूड़ियाँ। ये वाला काफ़ी वायरल हैक है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखा है। तो मैंने दस टाइम चुना है ब्लू कलर की। मेरे पास ये हम फैब्रिक पड़ा हुआ था, यानी जो कोटा फैब्रिक कॉटन वाला फैब्रिक होता है ना, कोटा कॉटन वाला, उसी का मेरा ड्रेस का ये पड़ा हुआ था। तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा भी लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। आप चाहे तो नेट का क्लोथ यूज कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, मुझे लुक वाइज से थोड़ा सा अलग करना था। तो मैंने इस तरीके के काफी सारे रेडी कर लिए। एंड आफ्टर डैट इसमें भी मिरर का वर्क कर रही हूं। तो जितने भी DIYs में शेयर कर रही हूं, मिरर के बिना तो मेरे ख्याल से आजकल हमारे DIY अधूरी है समझिए। क्योंकि मिरर क्या होता है ना, एक रिफ्लेक्शन सा क्रिएट करता है, हमारी जितनी भी पेंटिंग्स है सब में जान फूंक देता है आप जितनी भी DIYs कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने मिरर का यूज किया है, वो भी भर भर के जितना हो सके। तो इस समय ना मिशो पे बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो अभी मेरे कुछ आइटम्स आने बाकी हैं मिशो से, तो मैंने सोचा है कि सारे आ जाएं। एंड आफ्टर डैट मैं आपके साथ वो पूरा शेयर करूँगी कि आप क्या क्या मंगा के रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 100 में मिरर, 200 में हमें कई सारी चीज़ें मिल जा रही है। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अगर हमें DIYs बनाने हैं तो जितनी सस्ती चीज़ें मिल सके ना उतनी यूज़ कर लेनी चाहिए। अब ये वाली मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा हो गए, ये वाले जो स्टोन से लीफ वाले ये चल रहे हैं। तो ये सारे स्टोन्स मैंने बहुत पहले से कलेक्ट करके रखे हुए हैं, साड़ी से निकाल लेती हूँ, जैसे पुरानी साड़ियाँ हो गई उससे ले लेती हूँ, या फिर कई बार ब्लाउज वगैरह जो ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पहनने होते तो उसमें से निकाल लेती हूँ, और वो कपड़ा भी यूटिलाइज हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मोती से कनेक्ट करेंगे। तो दिस टाइम मैं दो दो का पेयर बना रही हूँ, क्योंकि सिंगल मुझे लगा कि वो मुझे दिखेगी नहीं और मुझे बहुत भारी बॉल नहीं बनानी है। मैं इसे स्पेशली अपने जो जहाँ पूजा करती हूँ ना, मुझे ये वहाँ हैंग करना था। सो इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको बनाया और ये रहा इसका फाइनल लुक।
तो ये ओवरऑल देखने में बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी, तो दोनों मैंने दो अलग अलग साइड में लगा दिया है। लास्ट वाला जो डी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए सबसे ईजी है, ये तो कोई भी बना सकता है। मैंने सर्कुलर शेप का कार्डबोर्ड कट कर लिया है, उसी शेप का ग्लिटर शीट कट किया है, दोनों को कर लिया है फिक्स्ड। उसके बाद मैं कर क्या रही हूँ कि एक और कलर का कार्डबोर्ड ग्लिटर शीट ले रही हूँ एंड उसको इसी पे सेंटर में पेस्ट कर दे रही हूँ। तो ये हमारा टू कलर का जो है ना इस तरीके से बन गया, तो ये सबसे ईजी लगता है मुझे, जहाँ तक लगता है कि ये कोई भी बना सकता है। उसके बाद मैं लूँगी एक जूट वाली रोप, आपके पास स्पून है तो आप वो ले लीजिए, जूट वाली रोप लेके मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कलर से कर रही हूँ, आप किसी और कलर से कर सकते हैं। मुझे आउटलाइनिंग क्रिएट करनी थी, थोड़ा सा इफेक्ट लाना था, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस सा क्रिएट करना था, जिसकी वजह से मैंने ब्लैक कलर लिया है। आप ब्लैक कलर की सब जगह पिंक का यानी कॉम्बिनेशन बना के पिंक भी इसके साथ काफ़ी अच्छा जाएगा, या फिर ग्रीन। तो मेरे ख्याल से ब्लैक के अलावा पिंक कलर मुझे ज़्यादा जहाँ तक था कि बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने पिंक कलर नहीं लिया, मैंने ब्लैक कलर लिया। और इसको मैं सर्कुलर शेप में इस तरीके से चिपका दूँगी, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, कोई बात नहीं। देन उसके बाद आपको जो बाहर वाली आउटलाइनिंग है, आप चाहे तो वहाँ पे कोई गोटा भी लगा सकते हैं, बट मैंने अगेन इसको फिर वही हो जाता है ना, बहुत सारे गोटा 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 वाले काम हो जाते हैं, फिर हम उसे निकाल के रखते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि इसके आउटलाइन में भी मैंने ब्लैक कलर का लगा दिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक ये वाली लेस, मैं ना एक आध दो मीटर लेके आई थी मार्केट से, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं क्या कर रही हूँ इसी लेस का यूज़ कर रही हूँ। और अब मुझे पछतावा हो रहा था कि मुझे 3-4 मीटर और ले लेनी थी, क्योंकि मैं अभी मुझे एकदम इस वाले लेस के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है कि मैं हर जगह इसी को यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़, मिरर के आसपास आपको कोई आउटलाइनिंग नहीं क्रिएट करनी है। उसके बाद ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ यानी मैंने पूरे 6-7-8 जो भी है सब तरफ से ये मिरर ऐड कर दिया, ताकि मेरा जो ये ना एक क्रिएटिव सा लगे और ज़्यादा बिना किसी तामझाम के मेरा ये भी रेडी हो जाए। तो मैं सब मिरर लगा ले रही हूँ सेंटर में। बाद में मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नहीं लगाना है, तो मैंने सेंटर से उसे हटा दिया। एंड उसके बाद सेंटर पे मैं, क्योंकि मुझे होता है कि पाव वाला बनाना था, तो ये मैं लेके आई थी, एंड लेग वाला मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ताकि ना एक लगे कि हम लक्ष्मी पूजा के लिए या फेस्टिव के लिए बना रहे हैं। और ये इजीली मैं अपने भगवान वाले मंदिर में भी लगा सकती हूँ, सो वहाँ पे लगा लीजिए। तो वो वाला थोड़ा सा टूटा हुआ था, इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया और फिर ये लगा रही। उसके बाद किस तरीके के स्टोन्स हैं अगर आपके पास, तो वो ऐड कर लीजिए। आप स्टोन्स नहीं ऐड करना चाहते तो कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मिरर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है। मुझे खुद ये स्टोन के अलावा आप किसी और कलर का भी कॉम्बिनेशन करके लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा ये खाली लग रहा है, तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, इस वजह से मैंने छोटे छोटे से स्टोन जो है सॉरी मिरर जो थे मेरे पास वो ऐड कर दिए, ताकि इसका लुक काफ़ी क्रिएटिव लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। सो इस वजह से मैंने इसमें मिरर्स भी ऐड कर दिए। उसके अलावा आप चाहे तो इसमें स्टोन और कलर के लगा लीजिए, वाइट मोतियाँ हैं आपके पास आप वो लगा लीजिए। सो मैंने जितना तामझाम करना चाहे वो कर सकते हैं, बट मुझे ओवरऑल ये इतने पे ही काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है। So I just hope you love my videos. If you love my videos, please like, share and subscribe. Thank you for watching this.